भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला जी हमारे साथ हैं और हाथरस कांड के बाद कई बिंदु इन्होंने उठाए हैं। आपसे बात करेंगे भराला जी, टीवी लाइन में सबसे पहले आपको स्वागत है और किन बिंदुओं को लेकर आज आप चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा? आज मैंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न राज्यों में जाने वाले शिव भक्तों की एक जो यहाँ धार्मिक और भगवान शंकर के आस्था के केंद्र ऐसी शिव भक्त की कांवड़ यात्रा के माध्यम से जो अपनी श्रद्धा और आस्था का जो प्रतीक के रूप में भगवान शंकर जी पर जलभिषेक करते हैं सावन माह में, पूरे सावन में ये इस प्रकार की कांवड़ का यहाँ आयोजन यहाँ से चलता है, उसको लेकर के क्योंकि मुझे वो याद है कई घटनाएं मैं उसमें गया भी हूँ, मैं हादसों में पहुँचा भी हूँ। जो डीजे ऊँचे होते हैं बड़े होते हैं उसमें कई ऐसे हादसे हुए जिससे मैं खुद पीड़ा में रहा, तो मैंने एक तो ये अनुरोध किया है कि हमारे जितने भी शिव भक्त हैं कि वो अपने डीजे की थोड़ी ऊंचाई कम करके अपनी श्रद्धा के साथ अपने हर्षोल्लास के साथ अपने भगवान को शंकर जी को खुश करने में और अपनी आस्था का पूरा काम करें और उसका ध्यान रखें, स्वयं सुरक्षा की जिम्मेदारी करें। हाथरस कांड जो है बड़ा जरूरी है और देखा गया है कि FIR दर्ज तो हुई है लेकिन जो मुख्य हैं बाबा नारायण सकर उनके खिलाफ अभी FIR में कोई नाम दर्ज नहीं हुआ। कहा गया कि उनकी निजी सुरक्षा की वजह से ही ये सारी चीज़ जो उन्होंने दबका मुक्ति की जिसके गठन कोई जाँच में निकल के आया है, मुख्यमंत्री खुद भी मान रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए? देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाँच के उपरांत ही सामने आएंगी बातें, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आयोजक करता है कार्यक्रम के आयोजक करता है उन्होंने अपनी कितनी संख्या बताई प्रशासन को, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें अवगत कराई, क्या प्रशासन ने वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई या फिर आयोजकों ने कुछ अपनी जो ज़रूरत नहीं बताई, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और जहाँ बाबा का सवाल है, जहाँ कथावाचक का सवाल है, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिनकी जनहानि हुई उन परिवारों को उन्होंने 2-2 लाख रुपए की धनराशि दे करके अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त की है और उन्होंने शोकाकुल परिवार को भी संवेदना व्यक्त करी है, तो उसमें मेरा ये दूसरा कहना ये है कि ऐसे जो बाबा हैं या कथावाचक हैं उनको भी अपने सहयोग जो उनके पास धन का अकाउंट में है रहता है अपने भक्तों को वो भी निश्चित रूप से 5-5 लाख रुपए की धनराशि दे करके और घायलों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि दे करके उन परिवारों को संबल प्रदान करें, उनको संवेदना व्यक्त करें। 5 लाख रुपए उनको ना जो मृतक हैं जो मृतक परिवार हैं उनको भी देना चाहिए क्योंकि बड़ी जनहानि है, वो बहुत ही निर्धन और आस्था के लोग थे, उनके प्रति आस्था थी। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका बहुत ही ये बड़ा हादसा है, मैं अपनी शोक संवेदनाएँ भी अपनी व्यक्त करूँगा और मैं शोकाकुल परिवार को भी भगवान श्री परशुराम जी से कामना करूँगा कि वो ऐसे दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कहते हैं कुछ दिन पहले उनका बयान जो आया उसमें उन्होंने ये कहा कि अपने बयान में कि जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो कहीं ना कहीं हिंसावादी लोग हैं, फिर उन्होंने जैसे ही उनका विरोध हुआ तो उन्होंने क्लियर करा कि वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के बारे में बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कहना चाहते हैं? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का स्वयंसेवी और राष्ट्रवादी और समाज सेवी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंसक हूँ क्या? मैं श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगा कि उनका वो बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे अलग बात उन्होंने ये कर डाली है कि उन्होंने जो अरबों लोगों के आस्था के जो केंद्र है भगवान शंकर जी उनके चित्र को ला करके और लोकसभा के अंदर उनका उपहास जो उड़ाया है वो निश्चित रूप से उस बयान पे और भगवान शंकर जी का उपहास उड़ाने पर उनको निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उस बात को
देश के सामने उसे निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और मैं उसकी कठोर शब्दों में कड़े से कड़ी निंदा करता हूं। आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति में जो एक वर्ग को साधने को लेकर के जो इंडिया गठबंधन के जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है कि हम अल्पसंख्यक के मतदाताओं को किस प्रकार से लुभाएं। तो वहीं समाजवादी पार्टी, वहीं कांग्रेस, वहीं टीएमसी, वहीं डीएमके, अन्य अन्य पार्टी, ये इन सब का जो प्रोपगंडा है वो उसके पीछे मुझे उसका एक राजनीतिक बड़ा प्रोपगंडा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। कि हमारे साथ सुनील भरारे जी, जिनका ये कहना है कि जो हाथरस में कांड हुआ है उसमें जो बाबा है वो भी कहीं ना कहीं मृतक परिवार को अपनी तरफ से भी राशि दे और सहायता राशि दे, और जो घायल है उनको भी सहायता राशि दे। और बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता सांसद भी बन चुके हैं, उनके बयानों को लेकर कहीं ना कहीं निंदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा बताते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है जो राहुल गांधी का बयान संसद में आया था। अनुशमन यूनियन उत्तर प्रदेश मेरठ।